हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं सवेरे के 5। मैं उठ गई थी 4:30 पे, उन्नति भी उठ गई और वो अपनी पढ़ाई कर रही है। तो मैं 4:30 बजे उठ करके पहले बैठ गई थी थोड़ा काम करने, रिकॉर्डिंग वगैरह, और फिर उठ करके घूमने लगी। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय और फिर मैं बैठ गई एडिटिंग करने। सवेरे उठ करके होता है कि सबसे पहले जा करके मैं सूर्य नमस्कार करके ना अपने पौधों को देखती हूँ, उसके बाद ही दूसरा कोई काम करती हूँ। और मैंने कहा सवेरे सवेरे एडिटिंग का काम कर लो और वीडियो अपलोड कर दो, नहीं तो सारा दिन तो फिर काम में फंस जाते हैं, फिर तो कोई काम नहीं हो पाता है। तीज, ये जितिया का नारियल पड़ा हुआ था तो उसको किसी चीज़ में मिलाएंगे नहीं, और फिर नवरात्रे आ रहे हैं तो वो पड़ा ही रह जाएगा, खाएगा नहीं। नवरात्रि में नारियल नहीं खाया जाता, तो इसी वजह से मैंने कहा आज चटनी बना लूँ। तो मैंने खजूर लाई थी और खजूर, नारियल, टमाटर, हरी मिर्च मिला करके मैंने बनाई है इसकी चटनी, जो खाने के साथ भी खा सकते हैं। और इसका ढोकला भी बनाऊंगी, वो दिखाऊंगी आज आपको, ब्रेड ढोकला बनाऊंगी। और इसमें मैंने पानी की जगह मिलाया है दही, सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, और ये पीस लिया है पर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया। अब इसमें मैं छौंका लगाऊंगी। अपने खेत के कड़ी पत्तों का तोड़ते हुए तो दर्द बहुत होता है, मैंने गिनती के 4 पत्ते तोड़े। कल भाई के घर गई, वहाँ से भी कड़ी पत्ता नहीं लाई, तो एक एक करके जैसे मेरा कोई दिल तोड़ रहा था वैसा हो रहा था। मैंने 4 पत्ते मुश्किल से तोड़े और लाई छौंक लगाने के लिए। तो काली सरसों और लाल मिर्च और इसका कड़ी पत्ते का छौंक लगा दूंगी। पर देखिए दोस्तों, ये एक टिप्स है जो यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया है। मैं छौंक लगा रही थी तो देखिए कितनी तेज़ आग पकड़ ली आपको छौंक ने। अगर आपकी चिमनी है, अगर चिमनी इस समय चला दीजिएगा कभी भी छौंका ऐसा देता समय, तो आग लग जाएगी। तो इसलिए जब भी छौंक लगाएं या रोटी डायरेक्ट गैस पे सेकते हैं तो कभी भी चिमनी मत चलाइएगा। तो किचन मेरे थोड़ा सा साफ तो कर दिया था, फिर भी मॉर्निंग का चाय वगैरह बनता है तो थोड़ा गंदा होता है, पर मैं ये आपको दिखाने वाली थी इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। तो हो सकता है किचन थोड़ा गंदा हो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये बन गई है मेरी चटनी। चटनी में मैंने लाल मिर्च भी थोड़ा डाल दिया जो खाने में यम्मी लगेगी बहुत ज़्यादा। तो तैयार है नारियल खजूर की चटनी। अगर आपके पास नींबू है तो इसमें नींबू ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगती है, पर मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। सवेरे चटनी बना करके मैंने साफ सफाई की और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई किचन में। मैंने कहा फ्रिज भी साफ़ कर लो। फ्रिज में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, ये बास्केट में छोटी सी रखती हूँ, इसमें मतलब मेयोनीज़ वगैरह, मक्खन, वाइट मक्खन भी पड़ा हुआ था, सब रख देती हूँ, उसे ही मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं आज कढ़ी बनाने आई हूँ। कढ़ी बनाने का मुझे उतना अच्छा तरीके से आता नहीं है, तो देखा बेसन के कल सारे चीले बना लिए थे, फिर मैंने अभी सत्तू से आज कढ़ी बनाई और सत्तू के ही पकौड़े बनाए। तो पकौड़े तो बनाए, थोड़े से साबुत रहे, बाकी सब टूट गए। और जब मैंने वो पकौड़े कढ़ी में डाले ना तो वो भी टूट गए, दिखाती हूँ। कढ़ी छौंकने का अगर मेरे को कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं आता, आप बताइएगा अगर कढ़ी में कुछ हुआ, कुछ नया विधि हो तो। और तेल में मैंने टमाटर, प्याज, मेथी और जीरा का छौंका लगाया, उसके बाद सूखे मसाले उसमें डाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, नमक नहीं डाला सॉरी, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डाल करके चलाया। और उसके बाद मैंने उसमें ये जो घोल था सत्तू का घोल, बेसन नहीं था तो सत्तू आज मैंने बना करके देखा है, सत्तू का घोल डाल दिया और फिर उसको मैंने चलाया, उसके बाद उतारा। सत्तू की कढ़ी पहली बार बनाई है पर अच्छी लगी, खाने में टेस्टी लगी। पर पकौड़े जितने डाले थोड़े जो साबुत थे वो सब खुल गए, कॉर्नफ्लावर या मैदा मिलाती तो शायद नहीं टूटते, और बाकी मैंने रख दिए कि खाने के साथ ऐसे ही खा लेंगे। कढ़ी खाली नहीं खाई जाती इसलिए पकौड़े डालना ज़रूरी था। ऊपर से मैंने लगाया है वाइट मक्खन से आज साबुत लाल मिर्च और का छौंक, तो ये कढ़ी खाने में बहुत टेस्टी लगी। खाना बनाने के बाद बज रहे थे 12:30, तो उसी समय मार्केट जाना भी ज़रूरी था। थोड़ा नल वगैरह जो टूटे हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लम्बर से काम कराना है तो सामान लेना है। अगर पूजा की दुकान खुली रही तो नवरात्रि का भी सामान लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि धीरे धीरे सामान लाऊँगी तब 2-3 दिन में पूरा सामान आ पाएगा, नहीं तो फिर अकेले उठाना पड़ता है। उन्नति के भी ISC एग्ज़ाम हैं तो संडे से शुरू हो रही है नवरात्रि, आकर के लंच करेंगे।
दोपहर को जब आए ना तो पूरी भीग गई थी। सामान तो हम ले आए, कॉर्नर में लगाने वाला कांच का ब्रैकेट लाए और किचन में बाथरूम में लगाने वाला। अब देखिए प्लम्बर को 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, जब मैं करती हूँ वो बिजी आता है, जब वो करता है तो मैं नहीं रहती हूँ। तो आकर के इतना भीग गए थे, खाना खा के सो गए। सो कर के उठे, आज सारा दिन पूरा बारिश 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 हो रही है। समझ नहीं आता कि पढ़ाई होगी कि नहीं, उन्नति गई है। कोचिंग फ़ोन तो करके गई कि अगर अकेली भी जाएगी तो जो है वहाँ पे क्या कहते हैं पढ़ाई कराएंगे सर, तो ठीक है जाएगा। आज मैं बना रही हूँ ना, अभी कढ़ी बनाई थी, खाने में टेस्टी लगी। और पकौड़े तो पूरे जो कढ़ी में डाले थे वो पूरे के पूरे मिक्स हो गए कढ़ी के साथ, और जो सूखे थे वो मिला के खा लिया। नारियल की चटनी अच्छी थी। अभी बनाती हूँ आज मैं आलू के पराठे और चने की दाल का तड़का, तो देखिएगा कैसे बनाती हूँ। और मैं जो स्पेशली बाज़ार गई थी इसके लिए, एक लानी है मुझे मंदिर के लिए लाइट, क्योंकि मेरी मैंने इतनी सुंदर LED लाइट लगाई थी चारों तरफ से, वो ना पता नहीं ख़राब हो गई और वो पूरी फिक्स करा दी थी। इसलिए ये देखिए जगह जगह पे ये जो कीली लगी हुई है ना वो LED लाइट की थी, तो वो ख़राब हो गई। अब जो है वो लाइट के लिए, और यहाँ पे लगवानी है मुझे एक जाली लगवा दूँगी, तो क्या होता है ना यहाँ छिपकली पूरा अंदर चली जाती है। अब नवरात्रि में कलश बैठाऊँगी, अब या तो मैं नीचे बैठाऊँगी और नहीं अगर ऊपर बैठाते हैं ना पूरा का पूरा मतलब कलश वगैरह बिखेर देगी, मेरे को यही डर लग रहा है। तो इसी के लिए मैं स्पेशली गई थी मार्केट, मिस्त्री को तो बोल करके आई हूँ, देखिए कल आता है कि नहीं। और ये है मेरा नवरात्रि का सामान, अभी ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि खाना वगैरह बनाई हूँ, प्याज लहसुन खाई हुई हूँ, जैसा सामान लाई थी वैसा ही रख दिया है। अभी सब छोटा मोटा जो सामान लगता है कलश वगैरह सब लेकर आई हूँ। तो अब बनाने जा रहे हैं खाना, डिनर की तैयारी है, अपनी ड्यूटी यही होती है, लंच बनाओ डिनर बनाओ, और करने को क्या है हमारे पास काम। साफ़ सफाई पूरी हो गई, कल सवेरे वॉशरूम्स दोनों क्लीन कर दूँगी, उसके बाद प्लम्बर काम कर जाए ना तो फिर पूरा काम कर दूँ मैं। प्लम्बर अब नहीं आएगा तो मेरे को तो मुझे उसको फिर एक बार फ़ोन लगाती हूँ। चने की दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया और तेल में डाला है जीरा और हल्दी, और संग में मैंने मसाला पीस लिया है प्याज टमाटर और कच्चा मिर्चा। मैं हमेशा भूल जाती हूँ, अदरक लहसुन पेस्ट डालने का सोचती हूँ और भूल जाती हूँ बनाते समय। तो यही मसाला पिसा हुआ मसाला मैंने, आलू भी बॉईल करूँगी चने की दाल के साथ ही, तो थोड़ा सा अलग निकाल के रख दूँगी और उसको थोड़ा सा चला करके फिर इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्च धनिया पाउडर वगैरह और नमक भी डाल देंगे और इसको चलाएँगे, फिर इसमें डाल देंगे चने की दाल। और इसमें मैंने आज तो हल्का जो चीनी डालती हूँ उसकी जगह जो नारियल की चटनी डाली बनाई है वही थोड़ा सा डाल दूँगी। और पानी आप तड़का बनाना है तो पानी कम ही यूज़ कीजिएगा, मुझे इसमें डालने थे आलू इसलिए थोड़ा सा हल्का ज़्यादा पानी डाला है। 3 आलू मैं छील करके इसी में डाल दूँगी ताकि आलू के पराठे बनाऊँगी तो उसके लिए आलू बॉयल हो जाए एक ही साथ में। बस ये थोड़ी सी चटनी डाल दी है, इसके बाद कुकर को कर देंगे बंद। और मैंने जो मसाला है ना वो निकाल लिया था थोड़ा बनने के लिए रखी हुई है, और एक चीज़ हो जाती है कि ये चिमनी में बनाओ ना ये साइड में पूरा गंदा हो जाता है, और दूसरा कि देखिए कितना ऑयल निकला है, ये देखिए बाप रे बाप कितना ऑयल है ना। अब मैं ये सब्जी रख देती हूँ, अभी मैं ना सीताफल की आलू और मटर की सब्जी बना लेती हूँ, इतना सा सीताफल है ख़राब हो जाएगा, तो इसकी भी पराठे के साथ अच्छी लगेगी, तो इसकी सब्जी बना लेती हूँ और सब समेट देती हूँ। ये कल के लिए भिंडी और बैंगन है वो रखूँगी, कढ़ी भी बच गई है थोड़ी सी। सीताफल की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं मेथी और जीरा का छौंका दूंगी, और सीताफल आलू पहले डालूंगी छोटे छोटे टुकड़े करके, आलू और हल्दी भी मैंने डाल दिया तेल में ही क्योंकि मैं हमेशा हल्दी पहले से ही डाल देती हूँ। और इसमें सीताफल प्याज और टमाटर डालूंगी, प्याज पड़ी थी तो डाल रही हूँ, अदरवाइज़ इसमें प्याज नहीं पड़ती है खाली टमाटर पड़ता है। और इसमें प्याज जो है थोड़ी सी ही डालूंगी, और थोड़ी सी आलू के पराठे के लिए मसाले में मैंने काट ली, और इसमें फ्रोज़न मटर मेरे पास पड़ी रहती है हमेशा फ्रिज में, वो फ्रोज़न मटर थोड़ी सी डाल रही हूँ। और इसमें जो है
फिर फ्रोज़न मटर डालने के बाद इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। टमाटर भी मैं थोड़ा सा उसमें डालूँगी, मसाले में एक टमाटर और बाकी इसमें डाल दूँगी। और ये सब डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं सूखे मसाले, ज़्यादा मसाला नहीं देते हैं। हाँ, तेल थोड़ा सा मैंने जिस अमाउंट में तेल हल्का सा मैं जो डालती हूँ उससे ज़्यादा थोड़ा डाला है। और इसमें मीठे की जगह मैं थोड़ा इसमें भी नारियल की चटनी मिला दूँगी। बस इसको सिम आँच पे धीरे धीरे पकाएंगे। देखिए तैयार हो गई है ये मेरी सीताफल आलू मटर टमाटर की सब्जी। ये है पराठे के आलू, इसमें मैंने कच्चा प्याज और टमाटर वगैरह डाला था, उसको हल्का तेल में भून लिया। अब तैयार है रोटी बनाना, तो मैं पराठा बना रही हूँ। मेरे को ना रोटी तो सही से नहीं बनती, आपको पता है, तो मैं इसी में मसाला भर के बनाऊँगी। अगर गोल बन जाता है तो मैं आपको दिखाऊँगी, पर पराठा तो गोल बन गया पर वो पूरा चकले से चिपक गया, जिसे छुड़ाने में जब मैंने उसको पराठे को निकाला ना, हटा करके देख लीजिए क्या अवस्था हुई है। मज़ा आ गया था गोल पराठा देख करके, पर देख लीजिए क्या हुआ है, हट ही नहीं रहा था, उठा तो देखिए। कोई बात नहीं, खाना है, अब क्या किया जा सकता है। मेरे सारे पराठे मैंने ऐसे ही बनाए हैं, ऐसे नहीं बनाया, अच्छे बने हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको कोई ट्रिक आती हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा अच्छे पराठे बनाने की, ऐसे अच्छा है। हंसिएगा मत, सारे पराठे बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे हैं। और चने की दाल हो चुकी है, सब उठा के मैंने अलग रख दिया। अभी हो रहा है 8:30, मैं खाना बना के आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, मैंने फेस वॉश से मुंह साफ किया है। अभी अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी हुई हूँ ना, तो इसी वजह से शायद आपको कालापन दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा अभी मैं अपने लिए नाश्ता बना लिया, आलू के पराठे, तो खाना बन गया। आपको दिखाया आलू के पराठे, मीठी चने दाल का तड़का, ये मीठी चने की दाल नहीं है, ये चने दाल का तड़का है। उसके बाद मैंने कहा चलो अपना जो है फेस ठीक कर लूँ। मेरा नाइट का यही रहता है कि थोड़ा फेस क्लीन करके फिर उसमें मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ। मैल कितना होता है, इसको थोड़ा सा पोंछ लो, क्योंकि किचन में काम करते वक्त धूल वगैरह बहुत काफ़ी हो जाती है, और फिर मार्केट वार्केट तो जाते ही हैं, और यहाँ तो ऑलरेडी घर में इतना धूल जमता है क्योंकि गंगा किनारे ईंट की भट्टियाँ हैं, तो वहाँ से पूरा का पूरा कालापन वगैरह आता रहता है। तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा ये करूँगी रोज़ वाटर, थोड़ा फ्रेश उसको पहुँचूँगी नहीं अंदर तक, ताकि टोनर चला जाए। मेरा नाइट क्रीम, थोड़ा सा लगाते हैं, अपनी स्किन केयर तो हम लोग रेगुलर वे में कर नहीं पाते हैं, तो ये बस थोड़ा सा कर लें तो जो है स्किन केयर हो जाती है। अगर ये भी नहीं करो तो फिर जो है एकदम ही देखिएगा कि कैसा फेस हो जाता है। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा मुँह आपको फेस, अभी बैठती हूँ। मैंने अपने लिए बनाया है नाश्ता, थोड़ा मूंगफली मखाने और काजू और मुड़ी के साथ, मुड़ी मतलब मुरमुरे के साथ मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों हो गया, देखिए ये तो ना टाइट रोज़ अगर ऐसे कीजिएगा, ज़्यादा नहीं आपको फेशियल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्किन टाइट होता है। 3-4 महीने में जब कहीं आते जाते हैं तो फेशियल कर लेते हैं, बस इतना सा ही काम करती हूँ मैं तो, और क्योंकि समय नहीं मिलता और आलस भी अब बहुत हो गया। पहले था ना बहुत करती थी, अब बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रही, थोड़ा थक जाती हूँ मैं काम करते करते, बहुत थक जाती हूँ। 2 घंटे जो किचन में काम किया, अभी खाना बनाया है, तो बस थक गई हूँ। अब मैं बैठूँगी, थोड़ा उन्नति लाएगी दूध तो चाय बनाऊँगी, और क्योंकि दूध ख़त्म हो चुका है, जितना दूध लाए थे वो सब ख़त्म हो गया है, अभी दूध आएगा तो चाय बनाऊँगी। मेरे को ना यहाँ जो मदर डेयरी का दूध है उसमें मेरे को चाय पीने को नहीं होता, मैं वो अमूल का जो टेट्रा पैकिंग वाला दूध होता है उसी के ही चाय पीती हूँ। अगर वो नहीं आएगा तो फिर मेरे को मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, फिर चाय नहीं पीती मैं। अब वो दूध नहीं आएगा तो चाय नहीं पी पाऊँगी, इसलिए थोड़ी एनर्जी कम लग रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में, नए दिन नए ब्लॉग के साथ। ओके बाय, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगी। ओके बाय।